नमस्कार। आज हम किमला पंचायत के अंदर आए हैं, जहां पर काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि अनशन चल रहा है और यहां पे आंदोलन चल रहा है। अपनी एक जो कंपनी है जिसको कहते हैं हम ग्रीनको कंपनी, और हमने कल भी बताया था आपको कि इस आंदोलन के अंदर कुछ जनप्रतिनिधि जो पहले फर्स्ट के अंदर आए थे आम आदमी के पार्टी, जो कल देखा गया था, आज बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के भी कुछ जनप्रतिनिधि आए हैं। तो हम इस आंदोलन के बारे के अंदर जो बढ़ता चला जा रहा है, हम इसके बारे के अंदर पूछते हैं ये लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। सर, खिमला के अंदर जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खिमला का आंदोलन में तो ये कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और एक फ्रॉड इस गांव के साथ फिर होने जा रहा है। जो 68 में विस्थापन के बाद में जो इन दुख दर्द झेले हैं और गांधी सागर के विस्थापित लोगों को जो इनको पुनर्वास की दृष्टि से खिमला गांव को बसाया गया था, उसी खिमला गांव को फिर विस्थापित किया जा रहा है इन लोगों को, और विस्थापन के बारे में इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। भूमि अधिग्रहण के नियमों को ताक पे रख दिया है, उसको मखौल बना दिया है। धारा 4, 6 और 9 इस तरह के किसी नोटिस से इन लोगों को कोई आदमी या वाकिफ नहीं है। यहाँ के सारे ग्रामीणों को और यहाँ के रहवासियों को मैं जानता हूँ। मैं जब जब भी आया तब तक इन लोगों से मेरी बात हुई तो बोले कि हमारी अतिक्रमण जमीन के लिए भी उनने कहा है कि मुआवजा देंगे, कंपनी मुआवजा देगी। कंपनी के साथ यहाँ का विधायक यहाँ और मुख्यमंत्री, जो भाजपा की सरकार है, वो ये घोषणा करती है कि इनको जो 1968 से यहाँ पर रह हुए, पहली बात तो उन्हें पट्टा होना था, जिसको ये अतिक्रमण कह रहे हैं वो इनका अतिक्रमण कहाँ से रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर 13 साल के बाद तक किसी आदमी का कब्जा अगर वहाँ है तो वो उसका अधिकारी होता है। उन लोगों को आप स्थापित करने की बात कर रहे हो और न कंपनी इनसे कोई बात कर रही है। सर, हमारी कंपनी के लोगों से बात हुई है कल रात में, तो उन्होंने कहा है कि हमने वही जमीन ली है जो किसान हमारे यहाँ बेचने आया। इसमें एक बहुत बड़ा कार्टेल ने काम किया है। कंपनी के कुछ लोगों ने यहाँ के कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर उनको दलाली दी भरपूर, और इनकी जो अज्ञानता और जो ये अनपढ़ता है उस वजह से इन लोगों के साथ फ्रॉड किए गए हैं। इनको कहा गया कि तुम्हें इस बात इनकी मांगों की, जायज मांगों की लड़ाई में हम इनके साथ में हैं, और ये बात हम कमलनाथ जी तक पहुंचाएंगे। उनको ये प्रतिवेदन हमने जानकारी में डाला है। उनके वहां से जो भी, अगर प्रशासन ने और शासन ने इस बात को नहीं समझा तो इस आंदोलन में हम इनके भरपूर साथ में हैं। और ये कोई नहीं समझे कि ये 1000-2000 लोगों का काम है। इसके लिए पूरी मनासा विधानसभा इनके साथ में खड़ी है और इनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। पार्टी से हैं और ये आंदोलन 4 रोज से चल रहा है, और यहाँ हमने कल ही हमारे समाचार में डिटेल दे दी थी कि कल से इस आंदोलन को राजनीति के अंदर बहुत सारे समर्थन मिलने वाले हैं। तो आज ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी समर्थन यहाँ पे इस आंदोलन को मिलता नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखो, मैं भी लगभग 1 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ कि कंपनी आ रही है, कंपनी के लोग आ रहे हैं, और मैं लगभग 6 महीने पहले यहाँ आया था। मैंने कुछ गांव के लोगों से बात की थी कि क्या आप लोगों को किसी प्रकार की किसी अधिकारी द्वारा कोई जानकारी दी गई या आपको कोई खबर दी गई कि भी की जाएगी कंपनी लगाई जा रही है। सब हमें किसी भी ना तो किसी कर्मचारी ने दी, ना कोई कंपनी के लोगों ने हमें कोई जानकारी दी इस तरह से। मतलब हमें कोई प्रकार, मतलब केवल हम ये देखते हैं कोई लोग आते हैं यहाँ पे, घूमते हैं, जाते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरह से देखा। और आज सर, इसके अंदर बहुजन समाज पार्टी इस जो आंदोलन है इसमें कहां तक के साथ रहेगी, कि आज आके चली जाएगी या फिर कल फिर उसके साथ में खड़ी रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से शोषित वर्ग के साथ लगातार पूरे देश में आंदोलन करती है और आवाज उठाती है, और यहाँ भी लोगों के, शोषित लोगों की आवाज है, तो बहुजन समाज पार्टी शोषित लोगों की आवाज बनेगी। और मैं पूरी तरह से राधेश्याम कमांडर, जो जोन परिवारी बहुजन समाज पार्टी का हूँ, मैं पूरी तरह से यहाँ लोगों के साथ मतलब खड़ा रहूंगा, और यहाँ पे किसी भी प्रकार के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी इसी गांधी सागर से विस्थापित, मैं भी विस्थापित हूँ, और यहाँ के जो गांव खिमला गांव है इसको भी विस्थापित किया गया है, और विस्थापित गांव को फिर से ये लोग वीरान करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ये विस्थापित करने की परिभाषा नहीं है। विस्थापित तो करने की परिभाषा ये होती है कि यहाँ पे आप विधिवत उसकी जमीन को, किसानों की जमीन से बात करके, किसानों से बात करके, कलेक्टर मीटिंग करके
और इनकी जमीनों को अधिग्रहण करें और अधिग्रहण के लिए एक राशि तय की जाए और इनको सिस्टम से सारे लोगों के अपने खाते में पेमेंट दिया जाए और उसके तहत अगर जो लोग पैसा नहीं लेना चाहे उनको जमीन के बदले जमीन दी जाए। ये सर बताया जाता है कि आप बंजारा समाज के बहुत युवा नेता और एक्टिव हैं, आज आप दो रोज से तीन रोज से यहाँ पर आ रहे हैं, पहले भी आपकी और हमारी बातचीत हो चुकी है इस मामले में। हमने कल ग्रीनको कंपनी से इस मामले के अंदर बात कही थी तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे को अभी तक कुछ सूचना नहीं मिली इस मामले के अंदर, और आप पूरी अच्छी तरह जानते हैं कि सूचना दी या नहीं दी गई थी ग्रीनको कंपनी को। किसको सूचना देना, यहाँ के जो अधिकारी हैं जो मैनेजर हैं वो कहते हैं कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई इस मामले में, कोई मामला मालूम नहीं है ये तो, और ये आंदोलन क्यों हो रहा है इसके लिए हमें नहीं मालूम। हाँ ये उनका अज्ञान बनना सही है उनकी जगह, लेकिन हम चार रोज से यहाँ बैठे हैं। कंपनी ने इस गांव और इस क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करा है, धोखा करा है, जिन लोगों की नियम विरुद्ध रजिस्ट्रिया करी है औने पौने दामों पे इन लोगों को इनकी अशिक्षा का फायदा उठा के इनके साथ धोखा हुआ है। सिर्फ कोई बात कर रही है सर, हमारी कंपनी के लोगों से बात हुई है कल रात में तो उन्होंने कहा है कि हमने वही जमीन ली है जो किसान हमारे यहाँ बेचने आया। इसमें एक बहुत बड़ा कार्टेल ने काम किया है, कंपनी के कुछ लोगों ने यहाँ के कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर उनको दलाली दी भरपूर, और इनकी जो अज्ञानता और जो ये अनपढ़ता है उस वजह से इन लोगों के साथ फ्रॉड किए गए हैं। इनको कहा गया कि तुम्हें इस बात का सौदा किया जा रहा है, 1-1.5 लाख रुपए इनको देकर इनसे रजिस्ट्रिया करा ली गई है। मेरा ये कहना है कि ये रजिस्ट्रिया फ्रॉड हैं और इनको शून्य किया जाना चाहिए, और इन लोगों को अब आज की तारीख में ये मुआवजा किससे क्लेम करेंगे, आज ये अज्ञानता के की वजह से अपनी रजिस्ट्रिया करा चुके हैं, अब मुआवजा क्या ग्रीनको कंपनी लेगी या वो बीच के बिचौलिए दलाल लेंगे जिनने इनको भ्रम में डाल के कि भैया कुछ नहीं है और अधिकरण तुम्हारे को बाद में नहीं बिकेगी, ऐसा कर इन भोले भाले आदिवासियों को, लगभग 40 आदिवासियों की जो रजिस्ट्री हुई है उसको शून्य किया जाना चाहिए। और आदिवासियों के साथ इस देश में जो मखौल, यहाँ सभी समाज के लोग हैं, यहाँ बंजारा समाज के लोग हैं, मुस्लिम लोग यहाँ, सारे लोग यहाँ बसते हैं, और ऐसे शहर को आप विस्थापित कर रहे हो और विस्थापित करने के बाद में आप ये लोग मजा भी नहीं दे रहे हो। सर कांग्रेस इसके लिए ऐसे आंदोलन के लिए क्या करेगी और क्या प्रयास करेगी? हम इनके इस पूरे आंदोलन में भरपूर साथ हैं, क्योंकि ये शोषण नहीं होना चाहिए। हम इस प्रोजेक्ट के विरोधी नहीं है, ये प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश के लिए करीब करीब 10% बिजली केवल अकेला ये प्रोजेक्ट सप्लाई करेगा, इस बात की हमको खुशी है। और इस प्रोजेक्ट के लिए पर जिन लोगों की वजह से ये प्रोजेक्ट लग रहा है उन लोगों को तो लाभान्वित करो, उनके बच्चों को आपने नौकरी देने की कहा, उनके आज तक 3 साल से यहाँ काम चल रहा है, किसी एक बंदे को यहाँ नौकरी पे नहीं रखा गया, टेम्परेरी नौकरी पे नहीं रखा गया। अब आप चाहते हो कि इनको भ्रम में रखकर और अपना काम कर लें, ये होने नहीं देंगे। और इनके आंदोलन में कांग्रेस पार्टी इनके भरपूर साथ में है, इनकी मांगों की जायज मांगों की लड़ाई में हम इनके साथ में हैं, और ये बात हम कमलनाथ जी तक पहुंचाएंगे, उनको ये प्रतिवेदन हमने जानकारी में डाला है। उनके वहां से जो भी अगर प्रशासन ने और शासन ने इस बात को नहीं समझा तो इस आंदोलन में हम इनके भरपूर साथ में हैं, और ये कोई नहीं समझे कि ये 1000-2000 लोगों का काम है, इसके लिए पूरी मनासा विधानसभा इनके साथ में खड़ी है और इनके साथ अन्याय नहीं होना। पार्टी से हैं और ये आंदोलन 4 रोज से चल रहा है, और यहाँ हमने कल ही हमारे समाचार में डिटेल दे दी थी कि कल से इस आंदोलन को राजनीति के अंदर बहुत सारे